हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजय और आप सबका मेरे विलेज रूफटॉप गार्डन या जैसी मुरी फार्मिंग चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो माफी चाहूंगा, काफी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ काम में बिजी हो गया था ज्यादा ही, तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। और बाकी ये देखिए, मेरा पूरा सेटअप है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ये मेरे बच्चे हैं, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये छोटे वाले बच्चे हैं, ये सभी लगभग मुर्गियां ही हैं। जितने छोटे वाले हैं लगभग सब की सब मुर्गियां हैं, तो लगभग 30-40 के आसपास में हैं ये सब छोटे छोटे, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैं घर से लाके पूरा सेटअप इधर डाल दिया है, जो छोटे बच्चे थे, तो देख सकते हैं आप, ये छोटे वाले हैं। और इनके साथ में जो बड़ी मुर्गियां हैं, ये अभी इसमें ही डाली हुई है मैंने, इनके साथ में ही है। तो ये छोटे बच्चे हैं, ये बड़े वाले मुर्गियां हैं, और ये वो देसी मुर्गा है अपना, देख सकते हैं आप। तो ये देखिए, और जो एक फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि मेरा एक मुर्गी का है, तो उसके बच्चे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए 8 बच्चे हैं। ये देखिए, ये वाला बच्चा है, ये वाला बच्चा है, उसके साथ में वो वाला, सॉरी, जो उसके जो उधर है वो मुर्गा है, ये वाले वाइट हैं, ये देखिए प्योर वाइट वाले हैं, और कुछ वो है असील का मुर्गा है, पट्ठा है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि ये भी, ये मुर्गी है देखिए, असील वाली मुर्गी है ये। ये भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं फ्रेंड, लगभग 6 मंथ के हो चुके हैं, और ये लगभग अभी कुछ दिनों में ही शायद अंडे देने स्टार्ट कर देंगे। तो एक इन्हीं पे अपडेट थी फ्रेंड्स, और ये मुर्गियाँ हैं देख सकते हैं आप, ये कुछ 2-3 ब्रीड हैं, और देसी भी हैं, RIR भी हैं इसमें से। और ये वाले बच्चे देख सकते हैं आप, ये देखिए 3-3 महीने के हैं, पूरा अच्छे से हेल्दी हैं, खा पी रहे हैं, रात को इधर बाहर ही रहते हैं। अभी मैं इनको ज़्यादा अंदर बंद नहीं करता हूँ, रात के टाइम पे ये इधर सोते हैं फ्रेंड्स, सभी इकट्ठा होकर इस बीच वाले में सोते हैं, उसमें मेरा रोजकॉम का देसी मुर्गा मैंने डाला हुआ है 4 मुर्गियों के साथ में। इधर WFG का डाला हुआ है, उसके साथ WFG की 4 मुर्गियाँ डाली हुई है, और ये अपना देसी मुर्गा बोल सकते हैं, अमन राजा ब्रीड का ही बोल सकते हैं। उसके साथ में ये बाहर जो मुर्गियाँ हैं इनको क्रॉस करता है, और ये इनके अंडे रहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके मेरी 4-5 ब्रीड तैयार हो रही है, और रात के समय में, रात होने पे ये सब मुर्गियाँ अंदर चली जाती हैं। तो और अभी मैंने इनका दाना उठा दिया, देखिए फ्रेंड्स, अभी ये बाजरे का दाना नीचे काफ़ी गिरा हुआ है, तो ये इधर से चुन के खा रही हैं, और ये बाजरे का मैंने उठा दिया। तो मैं काफ़ी दिनों से थोड़ा बाहर चला गया था फ्रेंड्स, ज़रूरी काम से, लगभग 1 हफ्ते तक बाहर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये टूट गया है मेरा, पूरा तूफान आया था उसमें ये फट गया है जाली ऊपर का, तो ये दोबारा डालना पड़ेगा मेरे को। अभी इसमें बर्ड नेट डाल देंगे हम, ताकि इनको थोड़ा इस पर सपोर्ट मिले, और गर्मी बहुत है तो थोड़ा छाँव में रहें ये, तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इनको। तो ये देख सकते हैं, ये क्रॉस कर रहा है, और अंदर भी क्रॉसिंग चल रही है, शाम के टाइम पर लगभग काफ़ी क्रॉसिंग चलती रहती है इधर मेरे फार्म पर। और ये दाना पानी सब कुछ फिक्स रखा हुआ है, अंदर की साइड में मैंने कमरे में इनका दाना और पानी सब कुछ रखा हुआ है फ्रेंड्स। और आप बच्चे देख सकते हैं इजली, देखिए 3 महीने की मुर्गी है, अच्छी खासी हो गई है, और वो वाली लगभग 2 महीने की है, तो सब कुछ है। और ये देखिए, ये सब अंडे देने पे तैयार है फ्रेंड्स, जो बड़े वाले मुर्गियाँ हैं ये सब अंडा दे रही हैं, ये साइज़ की जो मुर्गियाँ हैं, और जो 6 महीने की जो और मुर्गियाँ थी वो भी अंडे देने पर आ गई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले इस पिंजरे को खोल के आपको दिखा देता हूँ, जो रोजकॉम वाला मुर्गा है उसके पिंजरे को खोलते हैं हम। तो इसके लिए इन बच्चों को थोड़ा साइड कर देते हैं, ये देखिए इसमें अभी 2 मुर्गियाँ ही हैं, मैंने 2 मुर्गियाँ इसमें से बाहर छोड़ दी हैं। ये देखिए, फ्लैश ऑन करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा शाम का टाइम है तो थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो ये देखिए, 2 अंडे दे रखे हैं, दोनों मुर्गियों ने अंडे दे रखे हैं। ये पानी थोड़ा अच्छे से रखना पड़ेगा मेरे को, तो ये दोनों अंडे हम उठा लेंगे फ्रेंड्स। और इसको वापस से बंद कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला अपना इधर वाला खोलते हैं, अभी WFG वाला खोलते हैं। चलिए, ये देखिए क्रॉसिंग चल रही है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने भी लगभग 2 अंडे दिए हुए हैं, 4 मुर्गियां हैं, 2 सुबह दे दी थी, 2 अभी दिए हैं। ये इनका दाना पानी वगैरह पड़ा हुआ है, सब कुछ है, ओके है। चलिए इनके भी 2 अंडे हैं, उठा लेते हैं इसमें से।
तो ये मेरे पास 4 अंडे रखे हैं। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये चारों के चारों अंडे हैं, इनको हम अंदर ले जाएंगे, इधर रूम में है ये, तो इस रूम के अंदर ही रखता हूँ मैं। तो चलिए इनको ले चलते हैं। और ये बाकी आप जेड वाइट वाला मेरा देसी मुर्गा और मुर्गी देख सकते हैं, ये लगभग 21 अंडे देने वाली मुर्गी है फ्रेंड्स, जो हरियाणा की लोकल ब्रीड है, प्योर देसी ब्रीड। तो हर एक ब्रीड फ्रेंड्स अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग होती है, मतलब अलग अलग स्टेट की अलग अलग ब्रीड होती है, अलग अलग सब कुछ होता है उनका। ये बच्चा थोड़ा बाहर आने की ट्राई कर रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा रूम है। तो चलिए हम कमरे के अंदर आ चुके हैं। एक मुर्गी आई हुई थी, ये बाहर चली गई है, जो कि 6 मंथ वाली मुर्गी है, वो वाली है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अलग अलग ब्रीड के अंडे इधर संभाल के रखे हुए हैं, सभी ब्रीड के अंडे हैं फ्रेंड्स ये देखिए। और जो आज इन्होंने अंडे दिए हैं, लगभग बाहर की साइड में 10 मुर्गियाँ हैं, तो 5 अंडे दिए हैं फ्रेंड्स। लगभग 3-4 अंडे सुबह मिले थे और 5 अंडे अभी शाम के टाइम पे मिले हैं। तो मैं इन सबको एक साथ रख के उठा लेता हूँ और एक पॉलिथीन में डाल देता हूँ, क्योंकि ये वाले अंडे मेरे को बेचने हैं, इसलिए सब मिक्स कर दिए मैंने। एक है कस्टमर जो लेने के लिए आएगा अंडों को, तो उनको दे देंगे ये फ्रेश अंडे। तो ये सेटअप है फ्रेंड्स, सेटअप के लिए आप देख सकते हैं, ये मैंने इनके बैठने के लिए रात में बनाया हुआ है। इन पे दाना रखा हुआ है, इसमें पानी रखा हुआ है, बीच में छेद है और कोई पी नहीं पाता है, तो उसके लिए अलग से पानी रखा हुआ है। और ये रात में खुला रहता है, तो सुबह होते ही मुर्गियाँ बाहर चली जाती हैं, रात के टाइम पे अंदर आ जाती हैं, जिसको गर्मी लगती है वो फिर से बाहर चली जाती है। तो और ये खेत का है, खेत का अपडेट ये है कि इसमें गेहूँ थे तो अभी कट चुके हैं, तो देख सकते हैं आप उस साइड में गेहूँ काट लिए हैं हमने। और ये गेहूं का जो बचा हुआ तूड़ी या भूसा वगैरह कुछ ही बोल सकते हैं, वो सब है, तो गाय भैंस का चारा बोले। तो अभी मैं इस साइड में थोड़ा ऑर्गेनिक सब्जियां उगाऊंगा फ्रेंड्स इस हिस्से में, तो उसका अपडेट देंगे। उसके लिए मैंने सीडलिंग तैयार कर रखी है और आलू भी मैंने हार्वेस्ट कर लिए, अच्छे खासे निकले हैं फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने लगभग खेत का सभी पूरा कवर कर दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेंगी। और अभी मैं लगभग डेली वीडियो डालने का ट्राई करूंगा, 1 या 2 दिन का गैप हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूंगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और कमेंट में कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। और मेरा मुर्गियाँ अभी सेल के लिए नहीं है फ्रेंड्स, मैं अभी बेच नहीं रहा हूँ इनको, तो कृपया करके सेल के लिए मुझे मत पूछिए।